हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आपको धमकी दे रहा है 376 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा लिखाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आप अपना बचाव आखिरकार कैसे करेंगे, या उस व्यक्ति ने उन धमकियों को चरितार्थ कर दिया और आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा दिए हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे। दोनों ही कंडीशन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं यह पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। जी हाँ, बिना अपॉइंटमेंट बिल्कुल कॉल ना करें, कॉल बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं होगी और गालियाँ अलग से पड़ेंगी। जैसे आप लोग बकते हो वैसे मैं भी बक सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मूर्खता बहुत ज़्यादा करते हैं, 3-3 बजे रात को फ़ोन करने लगते हैं। हमारे स्टाफ को प्रॉब्लम होती है, हमारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लड़का लड़की जो है दोनों आपस में आराम से रिलेशनशिप में रह रहे थे, दोनों के बीच में सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा था, दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहेंगे, लेकिन शादी नहीं करेंगे और कोई एक दूसरे के विरुद्ध मुकदमेबाजी नहीं करेगा। लेकिन जैसे क्या होता है, कोई स्थिति परिस्थिति बदलती है तो महिला क्या करती है, उसमें 376 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे लिखा देती है, क्योंकि सबसे आसान मुकदमा है लिखाना, क्योंकि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर आ जाता है, एक्यूज को साबित करना होता है कि उसने रेप नहीं किया है। तो जब आपको एप्रीहेंशन है, आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, जब आपको ये क्लियर पता है कि आपके विरुद्ध हो मुकदमे लिखा ही देगा, लिखाने की धमकियां ही दे रहा है, लगातार वो आपको कह रहा है तुम मेरी बात ऐसी मानो वैसी मानो, अदरवाइज हम तुम्हारे खिलाफ फॉल्स केसेस कर देंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या विकल्प अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला विकल्प जो अवेलेबल है आपके पास, अच्छा सबसे पहले जान लो रीज़न क्या है मुकदमे लिखाने का। रीज़न मुकदमे लिखाने का ये हो जाता है कि आपके बीच में हो सकता है कोई वैमनस्य चल रहा हो, आपसी ईगो हो गया हो। आजकल ज़्यादातर मुकदमे लड़कियां इसीलिए लिखा रही हैं जो झूठे लिखा रही हैं, सच लिखाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बेचारी बहुत प्रताड़ित हैं, जो झूठे लिखा रहे हैं उनके पास रीज़न क्या है मुकदमे लिखाने का। शायद आपके और उनके बीच में ईगो क्लैश हो रहा हो, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप लोगों के बीच में हो गया, पैसे का लेन देन हो गया हो और आपसे आप उस पैसे की वापसी चाहते हो, रिकवरी चाहते हो, और आपने रिकवरी करने की कोशिश भी करी हो, प्रेशर किया हो सकता हो, इसलिए वो आपके अगेंस्ट मुकदमे लिखा दें, या आपकी पुरानी परिवार में किसी के साथ दुश्मनी चल रही हो, तो आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा हो या कोई क्रिमिनल सूट चल रहा हो, तो उन सब मामलों में वो समझौता करने के लिए, उन केसेस को वापस करने के लिए, केसेस को विड्रॉ करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए लोग 376 जैसी संगीन धाराओं में आरोप लगाते हैं। और आजकल ये भी ट्रेंड है कि जो लड़के, कई पुलिस कांस्टेबल्स का मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, जो खुद FIR लिखने के लिए रजिस्ट करते हैं, मना करते हैं, लोग जो आते हैं उनकी हेल्प नहीं करते हैं, कई पुलिस कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स का मुकदमा मेरे पास है, जो क्या करते हैं आपकी, आप जाते हो थाने पर, मार के भगा देते हैं, गाली देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी FIR होती है। तो कई लड़के जो नए नए भर्ती होते हैं, बहुत ज़्यादा दबंग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पर, फिर महिलाएं उनको मैसेजेस करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फंसाती हैं, उनसे शादी का झांसा के नाम पर उनके ऊपर FIR लिखाती हैं, क्योंकि नौकरी बचानी है तो आप डेफिनेटली या तो शादी कर लोगे, शादी कर लिए तो भी उनकी बल्ले बल्ले, और पैसा दे दिया तो भी उनकी बल्ले बल्ले। तो जनरली आदमी पैसा दे के पीछे छुड़ा लेता है, या कुछ लोग शादी भी कर लेते हैं जो पैसा देने की स्थिति में नहीं होते। तो अब जब FIR होने की पूरी संभावना है, आपको लगता है कि आपके विरुद्ध 110% FIR लिखी जानी है और आपको कोई बचा नहीं सकता है। जनरली मैं इन्फॉर्मेटरी पिटीशन सेक्शन 39 की बात करता हूँ कि कोई झूठे मुकदमे लिखाने के आपके खिलाफ धमकियाँ दे, तो आप उसके लिए सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन CGM कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। इसमें अपोजिट पार्टी को सूचना भी नहीं जाएगी और जो है आपकी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। जब वो आपके विरुद्ध FIR लिखा है तो आप अरेस्ट FIR क्वेश्चन में उस एप्लीकेशन का हवाला देते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अरेस्टिंग नहीं होगी अगर आप अपने आप को बचा ले गए कोर्ट के माध्यम से। हालांकि पुलिस के हत्या जड़ोगे तो तुरंत गिरफ्तार हो जाओगे, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन जब आपको चीज़ें लग रहा है कि बियॉन्ड कंट्रोल जा रही हैं, आपकी कंट्रोल से बाहर हो रही, तो उस कंडीशन में आपको सबसे बड़ा स्टेप ये लेना चाहिए कि जो महिला आपको धमकियां दे रही है, उसके परिवार वाले आपको धमकियां दे रहे हैं, जो आपने पैसे मांगे हुए हैं वो पैसे आप लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप एक मुकदमा लिखा दीजिए। क्योंकि आप कहोगे साहब मुकदमा लिखा देंगे तो कल केस होना होगा, तो अभी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, केस तुम्हारे ऊपर हो जाएगा, लेकिन तुम मेरी बात जान लो कि अगर तुम मुकदमा लिखा दोगे तो कहीं ना कहीं अगर वो बाद में तुमसे मुकदमा लिखाती है 376 का या किसी भी सेक्शन में जाके लिखाती है, तो यकीन मानो वो काउंटर ब्लास्ट होगा और कोर्ट ये देखेगी, अरेस्टे देगी आपको, एंटीसिपेटरी बेल देगी, कोर्ट कहेगी
कोर्ट में आप जाके कहोगे कि भैया मेरे खिलाफ इन्होंने मुकदमे लिखा है क्योंकि मैंने अपने पैसे की रिकवरी इनसे करनी चाहिए, धमकियां देती थी, जान से मारवा देने की धमकियां देती थी, इसके मुकदमे मैंने लिखा है, इसलिए ये मुझसे पैसा वापस लेना चाहती थी और इसलिए इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें करी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में कोर्ट, क्योंकि जब आप अरेस्ट लेने के लिए FIR क्वेश्चनिंग में एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो तो कोर्ट पूछती है आखिरकार किस ग्राउंड पर हम तुमको एंटीसिपेटरी बेल दे दें, अरेस्ट दे दें या FIR क्वेश्चन करते हैं, वॉट इज द ग्राउंड, आपने क्या कोई केस फाइल किया, हैव यू फाइल्ड एनी केस ऑन दैट पार्टी, जो आप एलिगेशन लगा रहे हो एलिगेशन सही है कि नहीं सही है, आपने तो पहले कोई केस नहीं किया, जब केस नहीं किया है कोई इन्फॉर्मेशन किसी अथॉरिटी को आपने दी ही नहीं है तो आपकी प्रोटेक्शन कैसे होगी, लेकिन जब आपने इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को दे रखी है, आपने मुकदमे लिखाए हैं, तो वही मुकदमे का प्लेंट की कॉपी, ऑर्डर शीट की कॉपी आप कोर्ट में प्रस्तुत कर दोगे कि हमने ये केसेस अलग से लिखाए हुए थे, हमने ये केस लिखाए हैं और हम जो है अब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, हम अरेस्ट लेके जाएंगे, तो आपके केसेस जब पहले रहेंगे तो लड़के के खिलाफ भी चार्जशीट लगेगी, वो भी आरोपी बनेगी दूसरे मुकदमे में, प्रेशर उसके ऊपर भी क्रिएट होगा, उसने 376 आपके ऊपर लिखाया है, अब उसको कोर्ट में जब FIR क्वेश्चनिंग या एंटीसिपेटरी बेल में आओगे तो कोर्ट देखेगी, ग्राउंड लेगी आपका कि भैया इसने मुकदमे लिखाए हैं, लड़की मलेशियस इंटेंशन के तहत इसको फंसाने के लिए ऐसे चीज़ें कर रही है, तो आपकी प्रोटेक्शन उसमें हो जाएगी। और ये मैं एक नहीं कई केसेस में करके देख चुका हूँ, अपने कई क्लाइंट्स को मैंने सजेस्ट किया है और इसका रिजल्ट निकला भी है, ये हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब अगर आप मान लीजिए आपके विरुद्ध उसने FIR लिखा दी है, अब FIR जब लिखा दी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी घटनाक्रम दिखाया गया है उस FIR में कितना डिले है, वो कितनी देरी से वो घटनाक्रम कारित होना दिखाया गया है, FIR कितनी देरी से, कभी कभी क्या होता है कि कई लोग FIR में पुराना इंसिडेंट दिखा देते हैं, 1 साल पुराना, 6 महीने पुराना, 4 साल पुराना, 7-7 साल पुराने, 8-8 साल पुराने इंसिडेंट दिखा देते हैं, तो क्या 8 साल बाद लिखाई गई FIR लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई एविडेंस महिला दे नहीं पाएगी, सिर्फ ओरल टेस्टिमनी के बेसिस पर आपको वो सजा कराने की कोशिश करेगी, गिरफ्तार कराने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज़ें जान लीजिए, FIR, पहली चीज़ FIR डिले देखनी, कितनी डिले से FIR है, अब FIR डिले है तो मेडिकल नहीं होगा, अगर मान लीजिए FIR डिले नहीं है, मेडिकल कराया है और मेडिकल में कुछ नहीं आया है, कोई इंजरी नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, तो एक चीज़ ये जान लीजिए, रेप हमेशा जो होता है इच्छा के विरुद्ध होता है और प्राइवेट प्रमाइसेस में होता है, जर्नली इसका कोई आई विटनेस नहीं होता, कुछ बड़बड़े लोग कहेंगे कि मैंने देखा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो हमेशा बॉडी रजिस्टर करती है, आप अपोज करते हो कि आपके साथ कोई बाय फोर्स कोई चीज़ करने की कोशिश करेगा, आप अपोज करोगे, उस अपोजिशन के दौरान आपको चोटें आ सकती हैं, उसको चोटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी बॉडी पर कोई इंजरी नहीं है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल इंजरी नहीं, सामान नहीं टूटे, कुछ भी नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए रेप है, जब मेडिकल आपने खुद से कराने से मना कर दिया तो कैसे रेप है, तो कोई विटनेस नहीं है और जिस दिन की लोकेशन दिखाई है, जिस दिन का घटनाक्रम दिखाया है, उस दिन आप उस शहर में थे ही नहीं, या अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे थे या किसी स्थान पर थे, आपके पास उसके एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंसेस लेते हुए कोर्ट में जाओ और अरेस्टे की डिमांड करो, आपको अरेस्टे मिल जाएगी। एक ऐठाई मैटर था मेरे क्लाइंट का, बल्कि जिस दिन की घटनाक्रम दिखाई गई थी वो अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, हम लोगों ने ऑफिस से लिखवा के और जो है अरेस्ट ले लिया था। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप अपनाते हो, इनको ध्यान में रखते हो, देखो कहने को बड़ी छोटी बातें, लेकिन ये बहुत हेल्प करती है मुकदमे में, आपके लिटिगेशन में बहुत हेल्प करती है, आपकी मदद बहुत करती है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ फॉलो करो, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन वहाँ करता हूँ। बाकी कोई समस्या, कोई डिटेल जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन कैसे बनती है, क्या होती है, उसके बारे में कुछ जानना है, बनवाना है, तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम लोग आपकी हेल्प पूरी पूरी करेंगे, जितना हो सकेगा उतनी मदद आपकी की जाएगी। हाँ, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। मैंने कई मैटर्स में इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डलवाई, कई शहरों में ये पहली रही है, क्योंकि बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स को भी इसकी नॉलेज नहीं थी कि इन्फॉर्मेटरी पिटीशन है क्या। खैर, एंड करता हूँ वीडियो को, थैंक यू सो मच, जय हिंद।